चुनावी दौर है, नेता बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, दूसरों की कमियां भी गिना रहे हैं और खुद मियां मिट्ठू बनने की होड़ जारी है। वहीं इस दौरान आरएलडी में शामिल अमर सिंह की पार्टी बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी जयपर्दा महिला सुरक्षा की दावेदारी पर कटाक्ष करते हुए मुजफ्फरनगर की मेहराज जहां ने अमर सिंह की हकीकत से लोगों को रूबरू कराया है। उनका कहना है कि अमर सिंह सबसे पहले समाजवादी पार्टी में थे और उनकी नीतियों के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद अमर ने जयपर्दा को साथ लेकर लोकमंच पार्टी का निर्माण किया और अब आरएलडी का दामन थामने के अलावा अमर सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ठाकुर अमर सिंह जी एक रैली में आए हुए थे कलवाड़ा में, तो मैं उनसे अपनी बात रखने के लिए गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब से मैं ही उनकी एक सीट निकाल रही थी, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था मुझे, लेकिन ठाकुर अमर सिंह जी ने मेरी सुनवाई ना करके उनके कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ बदतमीजी की और ठाकुर अमर सिंह जी चुपचाप देखते रहे। मेरे साथ गाली गलौज भी हुई, धक्के मुक्के भी दिए गए और ये हकीकत आपको दिखाए भी दूंगी मैं, मेरी पिटाई हुई उसमें, मुझे गाली गलौज भी दिया गया, धक्के मुक्के भी दिए गए। मेराज ने खुलासा किया है कि 24 फरवरी 2012 को विधानसभा चुनाव की सभा खतौली के कलवाड़ा गांव में चल रही रैली में एक महिला नेता को ठाकुर अमर सिंह के सामने उनके समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की। महिला नेता का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने विधानसभा के टिकट को काटे जाने को लेकर अमर से बात करना चाहती थी, लेकिन अमर सिंह की मनमानी के सामने ये बात रास नहीं आई। मेहराज का आरोप है कि मामले पर जब अमर सिंह से बात की गई तो उन्होंने अपना परला झाड़ते हुए किनारा कर लिया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, जबकि उस दौरान सभी कैमरों की तस्वीरों में अमर साफ नजर आ रहे हैं। न्यूज पॉइंट ब्यूरो मुजफ्फरनगर। लोकतंत्र का तर्क, सत्ता के गलियारों की सरगर्मी, बनते बिगड़ते समीकरणों का पूरा ब्यौरा अब तक देखा टीवी पर। सुनते रहे रेडियो पर अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज इंटरनेट पर। चुनावी शतरंज की बिसात पर न्यूज पॉइंट की पैनी नजर, क्योंकि जमाना ऑनलाइन का है।